हेलो गाइस, स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जांपल नंबर 3.3, जिसमें सवाल जो है गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स एनर्जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उस पर आधारित है। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट होगा आपसे कि या सलाह होगी कि आप जो है सवाल को बेहतर ढंग से समझने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स एनर्जी का थ्योरी और गिब्स एनर्जी का डेरिवेशन एक बार अच्छी तरह से देख ले और उसको बारीकी से समझ ले, ठीक है। तो यहां पर जो है इसमें सवाल में कह रहा है कि एक हमारे पास डेनियल सेल है। डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल सब एक ही होता है। इसमें लेफ्ट साइड में एनोड रखते हैं, राइट साइड में कैथोड रखते हैं। एनोड हमारा जनरली मोस्ट रिएक्टिव होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कहें रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होता है उसका एनोड बनता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका कैथोड बनता है। तो नॉर्मली अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो जिंक के लिए वो -0.76 वोल्ट होता है और कॉपर के लिए +0.34 वोल्ट होता है, जिनसे जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे तो +0.34 -0.76 करने से 1.1 वोल्ट हमारा जो है ना इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल मिलता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये 1.1 वोल्ट इस सेल का सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि तो बताओ इस रिएक्शन, अगर इस सेल में कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा हो तो इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि इस रिएक्शन के लिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट आपको यहां पर पूछ रहा है, ठीक है ना। यह स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। आपको देखिए यहां पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -NFe0 सेल, ठीक है। डेल्टा जी नॉट यानी कि गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -NFe0 सेल के बराबर होता है। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन आप देख लीजिएगा थ्योरी में। उसके बाद देखिए यहां पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पर कौन कौन चीज क्या है। E0 सेल तो इस सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। यहां पर E0 सेल आपको सवाल में दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो फैराडे होता है, यहां पर फैराड जो होता है वो 96,500 कूलम के आसपास होता है। हालांकि ये पूरी तरह से नहीं होता है, लेकिन जो है ना 96,500 हम लोग राउंड फिगर में उसको एज्यूम कर लेते हैं। आप चाहो तो उसका एक्यूरेट वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो एक फैराडे हम लोग 96,500 कूलम लेके चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहां पर ये एक फैराडे, एक्चुअल में एक फैराडे की बात की जाए तो ये एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उसको एक फैराडे बोलते हैं, और वन मोल में 6.022 × 10^23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10^-19 कूलम होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो राउंड फिगर में 96,500 कूलम आपको चार्ज मिलेगा एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। और एन क्या है, तो इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यानी कि जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग मैंने एक फैराडे चार्ज, यहां टोटल NF का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ फैराड, मतलब इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसके दौरान कितने चार्ज पास हो रहे हैं, ठीक है ना। चार्ज इनटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वोल्ट होता है ये एनर्जी का वैल्यू देता है जूल में, और यही एनर्जी हमारा गिब्स एनर्जी होता है। और रिएक्शन के दौरान चूंकि ये एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इसलिए ये साइन निगेटिव लगा हुआ है। तो एनर्जी यहां पर साइन से मतलब नहीं है, साइन यहां पर इसलिए लगा हुआ है कि एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है। तो ध्यान दें यहां पर, तो यहां पर ये जो है एन का वैल्यू देखिए पहले कितना है। तो इस रिएक्शन देख रहे हैं कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 स्टेट में, दैट मींस ये हो गया कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी ओवरऑल 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं और वो वहां पर जो इस सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो इन्हीं के 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां पर डिपॉजिट हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो ये हो जाएगा -2 × F का वैल्यू 96,500 × 1.1, ठीक है ना। ये जूल में आएगा, ठीक है ना, ये वोल्ट में होगा, ठीक है। वोल्ट जूल पर कूलम होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो है हमारा
कूलम्ब पर मोल में ये यूनिट होगा, क्योंकि ये एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कूलम्ब में है, तो इसका यूनिट कूलम्ब पर मोल होगा। ये हमारा जूल पर कूलम्ब होगा, तो कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, जूल पर मोल में हमारा ये वैल्यू आंसर हमें आएगा, जिसको बाद में किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फिलहाल अभी जूल पर मोल में वैल्यू देगा। हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो जीरो तो पहले दे देंगे हम लोग, फिर 5 2 10, 6 2 12, 13 हो जाएगा, 9 2 18, 19 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन यहां पर रख दिए, ठीक है, इंटू 1.1 कर दिए। अब देखिए एक पॉइंट से एक जीरो खत्म कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में 10 जाएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां डबल जीरो तो आ जाएगा, 11 × 3 = 33 हो जाएगा, 11 × 9 = 99 हो जाएगा, 99 + 3 करेंगे तो यहां पर 102 हो जाएगा, उसका 2 पड़ गया, बचा 10, 11 × 1 = 11, 10 = 21 हो गया। और यहां पर ये हमारा जो वैल्यू आया वो आया जूल पर मोल में, और एनर्जी को हम लोग जनरली किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से यहां पर डिवाइड कर देना है, तो यहां पर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 212.300 किलो जूल पर मोल। और ये आपके बुक से लगभग मिलता जुलता आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ एफ को अप्रोक्सीमेट करके लिया था, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी, जो यहाँ पर गिब्स एनर्जी का जो वैल्यू है वो है 212.3 किलो जूल पर मोल, और इसका साइन यहाँ पर निगेटिव है, जो दर्शा रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जाएगी, जाहिर तौर पर जो अंदर में इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी वो बाहर कंज्यूम की जाएगी किसी दूसरे डिवाइस के द्वारा, तो यहां पर जो है ना सिस्टम का एनर्जी सराउंडिंग में जाएगा, इसलिए एनर्जी चेंज यहां पर निगेटिव है। 212.3 किलो जूल पर मोल इस रिएक्शन का ओवरऑल गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दो, और एक बात याद रखना यहां पर कि आप लोग देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, आपको पसंद भी आता है फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये है कि हमारा बेनिफिट, आप सोच रहे हैं हमारा बेनिफिट होता है, और जाहिर सी बात है कि जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उसकी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होती है, कुछ भी बेनिफिट नहीं होती है अगर उसकी मेहनत से कंपेयर करें तो मेहनत के लिए बस एक सब्सक्राइब तो बनता है।